Hey, good morning guys, this is Saurav. Welcome you all back to my channel Travel Hype. Hope you all are doing good and it's a new week and I'm back with a new video. तो आज हम लोग आए हैं मैसूर में ना, मैसूर की तरफ एक्चुअली दोंडे गना लिंग, जहाँ पे तिब्बतियन रेफ्यूजी कैंप था 1974 में, जब तिब्बत से तिब्बतियन लोगों को चाइना ने निकाला था. तो उस टाइम पे दलाई लामा के साथ और बहुत सारे तिब्बतियन फैमिली इंडिया आ गए थे, इंडिया आके उन लोगों ने रेफ्यूजी कैंप में आश्रय लिया था. उसमें से एक जगह है यहाँ पर मैसूर में. तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 3000 सम फैमिलीज यहाँ पे आए थे. तो हाँ, अभी चलते वहीं पे. वहाँ पे 5 मोनेस्ट्री है तिब्बतियन लोगों का. तो हाँ, पहले चलते वहाँ पे, देखते हैं कैसा है उन लोगों का, कैसा कैसा रहता है ना. तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, अभी और 52 किलोमीटर बाकी है. बाराचुकी गगनचुकी वाला जो रोड है, उसी रोड में हम लोग अभी है. बैंगलोर से हेब्बल से बोल रहा हूँ, हेब्बल से 195 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो मॉर्निंग हम लोग ने स्टार्ट किया था 7 o'clock, अभी बज रहा है 11. टाइम लग गया. तो हाँ, इधर आधा जो लड़की देख रहे हो वो है पीछे, मम्मी तीतान को लेके बैठी है. तो अभी हाँ, और एक घंटा लगेगा अपने को पहुँचने के लिए. बीच में रुक के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट चेकफास्ट किया. तो हाँ, चलिए चलते हैं उधर. उधर चल के और बता देना आपको इसके बारे में. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year. Bop, re bop. Last 3-4 kilometer, Google ne aisa road dekha hai na, ekdam chhadi ka doodh yaad dila diya. Roller coaster ride hai. अच्छा होगा कि आप किसी लोकल से पूछ ही लो ना, इतना शॉर्टकट नहीं चाहिए भाई जिंदगी में. रोड तो बहुत ही सीनिक है, लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट ने लास्ट मतलब शायद इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये वाला रोड बनाया था. उसके बाद के बाद से गवर्नमेंट ने ये वाले रोड पे हाथ ही मिला लगा. बाप रे बाप, ऐसे 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 ऐसे. तो हाँ, चलते हैं. राइट देन टर्न लेफ्ट. चलिए. If I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोनेस्ट्री के सामने ना. ये रहा
यहाँ का सबसे बड़ा जो मोनेस्ट्री है ज़ोगचेंग मोनेस्ट्री, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत है तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, मैं जानबूझ के वैसा उल्टा सीधा नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ से जो व्यू है चारों तरफ का, ओ बाप रे। तो हाँ, तीतन को पहले दूध पिला लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अंदर। शायद मोनेस्ट्री मतलब बंद हो चुका है, तो देखते हैं अगर किसी से बात करके अलाउ हुआ तो अंदर जाने के लिए ट्राई करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:00, तो गूगल के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। तो हाँ, देखते हैं पहले तीतन को दूध पिला लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर बात करके अंदर का कुछ शॉट मिल जाए तो। ये वाला जो मोनेस्ट्री है इसको अनवील किया था दलाई लामा ने 1992 में। भाई साहब, यहाँ पे सभी बच्चे बैठ के शायद पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे। आर्किटेक्चर से बहुत ही अच्छा है। अपने घर से दूर रहना ना, जो तिब्बतियन लोग हैं वो अपने विलेज से दूर ऐसे रहना। तो अभी मोनेस्ट्री से हम लोग आए हैं थोड़ा सा कुछ पेट पूजा करने के लिए। ये देखो जगह, बाकी सामने का व्यू देखो, ये रहा खाने वाने का जगह और बाकी ये रहा व्यू। जैसे मैं बोल रहा था ना, ये व्यू में तो पागल हो जाओगे भाई। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, अगर आपको आके रहना है तो आप रह सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा मोनेस्ट्री जैसा है और ये रहा व्यू भाई साहब, और यहाँ पे खाने पीने का जगह।
हाँ देख लेते, सॉरी। तो हाँ देखते हैं क्या खाने वाने में क्या मिलेगा इधर। आ चुका है, खा लेते हैं पहले और उसके बाद निकलेंगे भाई। सुबह से निकले हम लोग 7 बजे, ब्रेकफास्ट किए थे 9 o'clock। उसके बाद भाई अभी पूरा पेट में ऐसा ना चूहे दौड़ रहा है, तो पहले खा लेते हैं। तो पानी आ रहा है वो देख के, तो हाँ पहले खा लेते हैं और उसके बाद जैसे जैसे रहता है। तो भाई अभी खाना वाना हो चुका है, अभी वापसी का टाइम है। जैसे बेंगलोर पहुँच के लिए तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। तो हाँ अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से व्यू सीरियसली बहुत ही अच्छा है। और जैसे मैं बोल रहा था, टोटल 5 मोनेस्ट्री है ना यहाँ पर, और सबसे बड़ा मैं जिस मोनेस्ट्री पे गया था वही है सबसे बड़ा वाला मोनेस्ट्री है। बट अंदर जो आर्किटेक्चर है वो सब सीरियसली बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक छोटा सा मतलब लोकल शॉप की जैसा है, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब आपको वैरायटी कुछ नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा खास कुछ। बट हाँ अगर आपको चाहिए तो देख सकते हो इस साइड में। तो हाँ उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगता है, दूसरे साथ भी शेयर करना। तो आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, कुछ दूसरे जगह पे, कुछ दूसरे जगह जस्ट होता है। तब तक के लिए बाय।